हाय गाइस, एक ये जो प्रॉब्लम है ना सर, मेरा पढ़ने को मन नहीं करता। दिस इज अ पॉडकास्ट, सो यू डोंट नीड टू हियर, डोंट नीड टू सी एनीथिंग। इट्स मोर, आंखें बंद करो और एक बार इमेजिन करो। यार देखो भाई, पढ़ने को मन नहीं, यहाँ तो होना कि हमने फॉर्म ना भरा होता एग्जाम का, एमबीए का प्लान ना किया होता, तो पढ़ने को नहीं मन कर रहा तो बात अलग होती है। जब सब कुछ कर दिया, जब ने फॉर्म भर दिया है, एंड में आके हाथ खड़े करके क्या फायदा? देख भाई, करना तो है ही, यू हेट इट और लाइक इट, वी हैव टू डू इट। दूसरी चीज ये भी है कि अगर एमबीए नहीं करोगे तो क्या करोगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपना एग्जाम्पल दूं, मेरी जिंदगी झंड थी एमबीए से पहले। आई वाज वर्किंग आईटी कंपनी जिसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं, जो बॉस को खुश कर रहा है आगे जा रहा है, तो बॉस को खुश नहीं कर रहा वो बेचारा अटका हुआ है। तो लाइफ वॉज झंड, जिंदगी वॉज झंड। सो एमबीए मेड मी रियलाइज कि बॉस, लाइफ में बहुत कुछ कर सकता हूँ। और आपको जो एमबीए प्रिपरेशन में कभी वो पॉइंट आएगा ही नहीं कि वेन यू आर फीलिंग के यू आर गॉड, ट्रस्ट मी, When you're preparing for the exams, कभी वो फेज नहीं आएगा कि तुम्हें सब आता है। एक क्वेश्चन तुम सॉल्व नहीं कर पाए, सारा कॉन्फिडेंस विल गो फॉर अ टॉस। ठीक है, तो लास्ट कुछ दिन बाकी है, तो अभी हम हिम्मत नहीं हार सकते। तो जिसको पढ़ने को मन नहीं करता, देयर आर टू काइंड ऑफ स्कूटर्स, वन इज द बटन स्टार्ट, वन इज द किक स्टार्ट। बटन स्टार्ट मतलब जो सेल्फ मोटिवेटेड है, खुद से कर सकते हैं, वेरी गुड। दोज आर सेल्फ स्टार्टिंग पीपल, ग्रेट, यू बी रॉकिंग। दोज हु आर मोटिवेटेड, इंटरनली मोटिवेटेड कि मुझे कुछ कर गुजरना है, तो आपकी किताबें पढ़ सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, जो करना है कर सकते हो। ठीक है, एंड स्पेशली इन द टाइम जब डेट नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, देयर लॉट ऑफ नेगेटिव एनर्जी गोइंग अराउंड, स्पेशली बिकॉज तुम्हारे कुछ दोस्तों का एडमिशन भी हो चुका है। ठीक है, और हमारा यहाँ पे साल एग्जाम का डेट नहीं आ रहा। इन दैट केस वी हैव टू डू द रिवर्स स्ट्रेटजी, कीप यू द मॉक्स। किताब खोलने के बोलो कि मैं पढ़ नहीं सकता, बट आप मॉक देने को बोलोगे आई कैन गिव अ मॉक। सो एवरी डे इफ आई कैन गिव वन मॉक, वन टेस्ट, जो भी आपकी इच्छा है, हर मॉक में मुझे एक टॉपिक आइडेंटिफाई करना है जो मुझे पहले नहीं आता था या जो मेरा वीक जा रहा है, एंड आई हैव टू इम्प्रूव दैट टॉपिक, ताकि उसमें से इजी क्वेश्चन, मीडियम लेवल का क्वेश्चन आ गया तो मैं सॉल्व कर लूंगा। ऑब्वियसली इफ द क्वेश्चन इज वेरी टफ आई कांट सॉल्व। ठीक है, सो जिसको पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही, आप उल्टे पे आ जाओ। ओके, नंबर वन पॉइंट, गिव द मॉक, एंड विद एवरी मॉक ट्राई टू इम्प्रूव वन टॉपिक। अगले 10 दिन में 10 मॉक भी दे दिया, 10 टॉपिक भी इंप्रूव कर लिया, दैट विल काउंट एज अ वेरी बिग स्कोर। वी कैन इंक्रीज अवर स्कोर बाय 10 मार्क्स, पहला थी। दूसरा थिंग, व्हाट आई नॉर्मली डू इज कि इमेजिन व्हाट वी आर गोइंग टू डू आफ्टर द एग्जाम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम के बाद आई एम गोइंग फॉर अ हॉलीडे, आई एम गोइंग फॉर अ इंटरनेशनल हॉलीडे। ओके, तो दैट इज माई मोटिवेशन कि अगले 10 दिन अगर मैंने जान लगा दिया, अगले 10 दिन मैंने अपने आप को मोटिवेटेड रखा, आई एम गोइंग टू पार्टी, आई कैन डू पार्टी एनी वेज, बट मेरे को एक वो फील रहेगा कि चलो मैंने एक अपना टारगेट अचीव कर लिया, उसके बाद दिस इज अ खुशी की पार्टी। ठीक है, सो यू हेट इट और यू लाइक इट, अगले 10 दिन आपको निकालने हैं। अभी आके तुम अपनी हिम्मत नहीं हार सकते, फाइन, बिकॉज 30% ऑफ द प्रिपरेशन इज लास्ट 10 डेज। लास्ट 10 दिन पढ़ना छोड़ दो एग्जाम से पहले, आपका स्कोर विल गो डाउन बाय 10 मार्क्स। ठीक है, वी आर इंडियन स्टूडेंट यार, हम दो दो दिन पढ़ के एग्जाम निकालने भाई, अभी इतना टाइम बाकी है, आराम से वी कैन डू अ लॉट, फाइन। सो लेट्स वर्क हार्ड फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज, अभी हिम्मत नहीं हारनी। और उल्टा है, जो भी हिम्मत हार के छोड़ रहा है उसकी प्रॉब्लम आने वाली, उसको प्रॉब्लम आने वाली, तो हमें लगे रहना है अगले 10 दिन, सो दैट वी कैन स्कोर मोर मार्क्स। ऑलराइट, सो कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड फॉर द नेक्स्ट 10 मोर डेज, 15 मोर डेज। ओके, ऑल द बेस्ट।